सत श्री अकाल, सतलू चैनल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। शंभू मोर्चे के उत्ते किसानी संघर्ष का अज 11वां दिन है। तो अज कालियां पट्टियां बन के पातड़ा खनौरी बॉर्डर के उत्ते शहीद होए किसान शुभकरण सिंह नूं श्रद्धांजलि दी जा रही है। शुभकरण की शहादत तो बाद कई तरह के सवाल खड़े होंगे ने। बहुत सारे नौजवान पुत शंभू ते खनौरी बॉर्डर के उत्ते डटे हुए ने। खतरा हर वक्त मंडरा रहा है। सरकार का रवैया भी खतरे तो खाली नहीं है। सरकार भी टस तो मस नहीं हो रही, तो उधर किसानों का जज्बा जड़ा वह भी किधरे घट नहीं हो रहा। हालात की बनेंगे, अंदोलन किवें सर किया जाएगा, गलबात करेंगे साढ़े नाल जय सिंह जलबेड़ा ने। इन्होंने नाल गलबात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सतलुज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो हमारी आवाज हर जन जन तक पहुँचावा, हर घर घर तक पहुँचावा। सब तो पहले तो मैं थोनू शुभकरण लेके ही सवाल करना चाहनी हूँ, क्योंकि तुसी खुद एक नौजवान पुत दे पिता हो और तुसी भी उसे सरकार का तशद्दुद हंडा रहे हो, जिसका तशद्दुद शुभकरण की फैमिली ने हंडाया। किन्ना वड्डा दुख है शुभकरण का जाना? बहुत वड्डा दुख है। मान लो आपां उहदी भरपाई कर ही नहीं सकते। माँ बाप शुभकरण दे है नहीं, एक छोटे जी मैनूं पता नहीं, खैर उसकी पूरा डिटेल मैं देखी नहीं है भी जो शुभकरण किन्नी क उम्र दी जो माँ बाप चले गए, दादी ने पालिया, अज उसकी 21-22 साल उम्र है। तो 21-22 साल की उम्र मान लो पहला उसने माँ के सामने बहू चली गई, पुत चलिया गया, अज पोता चलिया गया, तो कोई छोटा मोटा दुख नहीं है। उस दुख नूं सहन जब हमारे पास नहीं हो रहा है, तो उस घर का क्या हाल है जिसकी दो भैणा जवान आ, उनका भी देखो सारा कार्ज मतलब वो दादी के सिर के ऊपर पड़ गया। और वह मतलब कितने बड़े सदमे के अंदर आ, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि वो हादसा उन पर बीतया या हमारे पर बीतया। उन पर तो बीतया से बीतया, हमारे पर भी बहुत इसका गहरा सदमा। मानू भी एक नौजवान चलिया जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 22 साल उम्र, चलो कोई 70-80 साल का कोई बुजुर्ग ऐसा हादसा हो जा, कह दे भी सारा कुछ हंडाया। हाली तो उसकी उम्र दे उम्र तो ही भाई थी ना सारी की सारी देखने की, तो बच्चा ही था पहला। तो महाराज नू पता नहीं क्या देखो मंजूर आ, उसकी रजा मम्मा ने रहना या कहाँ किसकी लिखी हुई है, कितने सांस लिखे हुए हैं, ये तो अपन ना उसनु कट कर सका ना उनु बद कर सका। पर परमात्मा अगर हम अरदास बेनती जरूर करांगे भी उस लड़के की आत्मा नु शांति दे, और उस परिवार नु जेड़ा पीछे सारा परिवार सदमे में आया, बल बुद्ध समर्था बख्शा, उसके दुख क्यों पाना मनना पड़ेगा अपन। हमारे पर कोई होर जुगा ही नहीं है कि आप किस तरह उपर भाई कर सका ना होगा हमारे पास। अंदोलन की गल करते हैं जय सिंह जी, हरियाणा तो तुसी बिलोंग करते हो, और जिहड़ी सरकार इस वेले हरियाणा की हकूमत ते है वह मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। किसान अंदोलन एक दे विच भी मनोहर लाल खट्टर का रवैया जग जाहर होया सी, ते हुण किसान अंदोलन दो दे विच जो रवैया उसने अपनाया होया वह भी सब दे सामने है। अजिहे हालातों के विच अंदोलन सार करना किन्ना कु मुश्किल लगता? मुश्किल मुश्किल खैर मानू कोई ज़्यादा नहीं लगता है, और ना ही मनोहर लाल खट्टर गल मारी कोई लड़ाई है। मारी लड़ाई आ सेंटर सरकार गल, यो तो एक ही कहना झूंडा की लड़ाई वा झोटे के नुकसान वाली, झोटे की लड़ाई वा झूंडा के नुकसान वाली बात आ। लड़ाई झोटे की आ, नुकसान इन झूंडा का हो जाएगा जो से हरियाणा वाले हैं। इसी करके अपा कहा भी थम दूर हो, हम लड़ना चाहें बराबर वाले बंदे गल, जो मरी बराबरी का भी नहीं हमनू कहें। वो हमारे से बहुत मल हटका आ, हमारे पर ताकत बहुत आ, क्योंकि जो जो ताकत है कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। हम ही सरकार बनावा आ, हम ही उनके हथ में ताकत दे आ, यो नहीं है कि उनके पास ताकत आ कोई। पर जै मनोहर लाल खट्टर कहा भी मैं किसानों को चुका दूंगा, ना पहला चुके और ना इब चुकाएंगे, जीत जरूर होगी, टाइम लग सका। पहला 13 महीने नहीं हारे,
एक चाहे 26 महीने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मन परवाह भी नहीं है इस चीज की। बैठावा जितने देर सरकार, जितने देर सरकार में यहाँ बैठावागी, हम अब सरकार डाउन जाएगी, ऐसा जून पेगा जहाँगे सरकार के गड़मा, ना सरकार पर कभी निकड़ागा और ना कभी सरकार दोबारा बोलेगी। नवदीप की गल कर लें, थोड़ा बेटा नवदीप जिसने वाटर कैनन का मुँह मोड़िया, वो भी इसी गलबात की, उन्हें दसिया कि मेरे ते 26 परचे चल रहे हैं। बहुत सारे परचे, बहुत सारे जिहड़े डर का माहौल बनया होया, और खास करके अंबाला की जिहड़ी पुलिस है वो वालों ये कहा गया है कि जिहड़े भी किसान अंदोलन के जाएंगे उन्होंने जमीन की कुरकी होएगी। देखो जमीन ना मारी आ ना सरकार की है, जमीन दी हुई है बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, हमने उनके फलसफे पर चलना, जै और जमीन ना देगा जंदे तूरा कौन जमीन का मालिक था, किन्नू जमीन के बारे में पता था। हाँ अगर सरकार के पास है कोई ऐसा जुगाड़ भी हमारे पास जमीन खोस ले हमारे बारे, पहला मैंने 13 महीने आंदोलन कराया, जद नहीं सरकार ने जमीन खोसी, जद भी इन्हें यही बात कही थी हम थारी जमीन ना कुरक कर देंगे, ये कर देंगे फलाना, हर बार इनका यही दबका या इस दबके में हम आने वाले नहीं हैं। अगर सरकार ने जमीन ना कुरक करनी है हमारी, और कह रहे भी कोठियां भी घेर देंगे ना, घर तक मार करी या हमारी कर जो नवदीप की मम्मी है उनके ऊपर भी जाएगा दबके मारे हैं, हम थानू पकड़ लेंगे, हम थानू ये कर देंगे, मनु जुल्म तो बताओ बीमारी, मैंने जुल्म क्या कराया है, हम अपने हक मांग रहे हैं, यो जुल्म कर दिया, सरकार ने वादे करे हैं स्टेजा के ऊपर चढ़ चढ़ का और उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं, हम वो वादे अपने पूरे कराने वास्ता अपने हकार मंगा वास्ता यो अपना आंदोलन कराया, यो जुल्म हमारा, जिन्हें जुल्म करे हैं उन्हें पकड़ो, जुल्म किन्ना करे हैं सरकार ने, रोड बंद कर रखा सारे देश के सामने, मैं सारे देश की जनता को कहूँ, अगर विदेश की जनता ने भी कहूँगा अगर वहाँ न आवा इनकी वहाँ ऐसी तनाई करो कि न याद रखा भी, हाँ इन्हों बाहर आने जोगा भी ना छोड़ियो, मैं बेनती करूँगा बाहर ले नौजवान जौन से यहाँ से गए हुए हैं भी, हम एक ऐसा सिस्टम बनावांगे भी मेरे देश का नौजवान बाहर ले देशा में ना जहा और यहीं रह का अपनी मेहनत मजदूरी करा और यहीं अपने घर के अंदर सुख शांति गल रहा, नहीं लोड़ है मन उस पैसे की जो सा मरे बच्चे नु मरते दूर करा। पर नौजवान तुसी गल कर रहे हो, नौजवान जड़े विदेश गए ने वो ही कहंदे ने कि साडे अगे कोई रास्ता नहीं आ, सानू फाइनैंशियल क्राइसिस दे विचों निकलने लई बाहर जाना पैना, सरकारां ने साडे लई कोई विकल्प नहीं छड्डिया, कोई नौकरी नहीं आ, सानू मजबूरी वस होके बाहर जाना पैना, साडे जी नहीं करदा पर असी जाण तो बिना सानू कोई राह नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट नु 20 साल पहला स्वामीनाथन जो विशेषज्ञ थे उन्होंने तैयार कर दिया, उन्होंने तैयार करके दे दिया भी स्वामीनाथन ये चीज़ है, ये दो इनू जरूरत है इस चीज़ की, यही तो तैयार हुई थी पर इन्होंने उसके ऊपर गौर नहीं करी है। अगर ने स्वामीनाथन रिपोर्ट दे देंगे आज मेरे नौजवान बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, 20 साल कहाँ 20 साल पीछे आप चलो और कहाँ आज, कम से कम भी उस टाइम मेरा ख्याल का सोने का रेट कोई यही 5-7 हज़ार रुपये का और आज सोने का रेट 60 हज़ार रुपये आ, अगर उसकी तुलना में देखा तो आज मेरी कणक का रेट भी बहुत अग्गा होना चाहिए, अगर मानू यो रेट मिला आज स्वामीनाथन के हिसाब से मेरा ख्याल का भी कह रहे हैं भी 4700 रुपये कणक का रेट, अगर 4700 रुपये कणक का मानू क्या लोड़ पड़ी बाहर जाने की, एक एकड़ में 1 लाख रुपये की कणक निकला, 1 एकड़ में 1.25 लाख की जीरी निकला हमारे मन पर ना, इन्होंने यो पॉलिसी बनाई हुई है भी अगर इन किसानों आपने रेट दे दिए न किसान थारी रैलियाँ में नहीं आने गए हैं, न किसान थानू वोट नहीं पाने गए हैं, न किसान थारे जलसा में नहीं आने गए हैं, इस पॉलिसी को देखते हुए इन्होंने अब तक किसान कन्नी ध्यान ही नहीं दिया है, किसान 70 साल हो गए, आई सरकार चली गई सरकार, वादे करें स्टेजा पर चढ़ चढ़ कर, इन्हें तो यू ही नहीं पता मेरे पर गणाए नहीं जन्दे हैं बिना कितने वादे करे हैं, एक ही वादा उसके अंदर से पूरा नहीं करया, जौन सा इन्हें यू
तीन काले कानून बनाए थे वो भी मन 13 महीने बैठ का रद्द कराए हैं और इब फिर दोबारा सरकार नु कह रहे हैं अगर अच्छी सहायता हम 26 महीने वास्ते भी तैयार हाँ 13 महीने तो हम भूल गए 26 महीने वास्ते भी तैयार हाँ जद तेन मनना मन जीए पर हम घर नहीं जिंदे इतने तक ये जो जो वादे इन्हें करे हुए हैं और जो जो मंगा मेरी किसान यूनियन के लीडर ने इनके अगर रखी हैं इतना मन दे दी। गुरमीत सिंह माजरी जी मैं तुहाडे तो जानना चाहनी हाँ इस अंदोलन दे विच जिहड़ी मुख मंग आ वो MSP नू लैके आ कि MSP दा जिहड़ा गरंटी कानून आ वो बनाया जाए। अब जेकर MSP दा कानून गरंटेड हो जाता है गरंटी मिल जाती है कानून बन जाता है तो खेती दे विच सब तो वड्डे बदलाव किहड़े आउणगे? देखो जे MSP गरंटी कानून बन जाए सानू भुलेखा ही यही है कि जे इहनू हुण साडी कणक दा भाव इत्थे 2900 रुपये होया सी ते सेंटर गौरमेंट ने अमरीका तो जिहड़ी आयात होने वाली कणक है उसका 40% टैक्स कम करता 40% टैक्स कर घट करन नाल अमरीका की कणक इत्थे दे बाजार दे रेट नाल टकरा गई ते साडी जिहड़ी 2900 विकण वाली की 2400 रुपये तक आ गई। सानू इसे करके MSP दा गरंटी कानून की खास जरूरत है। ये कोई साडी मंग नहीं गौरमेंट ने कह सी असीं MSP गरंटी कानून बनावांगे ते साडी ओही मंग है भी MSP गरंटी कानून बनाओ जेकर तुसीं खुले बाजार विच साडी या व्यापारियों को कणक बेचण की छूट दें भी साडी जिहड़ी अज MSP लागू है इस तों घट साडी फसल ना बिके ये साडी वाजिब मंग है जो सरकार ने साडे कोल प्रस्तावित रख्या सी भी असीं साडी MSP गरंटी कानून C2+ ते 50% 2020 का बिजली बिल कैंसल करांगे ते खेती नूं पोल्यूशन तों बाहर कढांगे ये मोदी जी ने साडे नाल वादे किते सी असीं यही गल कही भी तुसीं जिहड़े वादे किते सी उहनां ते आप खरे उतरो लेकिन सरकार झूठी सरकार है वादे करदी है करदी ग्राउंड कुछ नहीं। हुण जिहड़े पंजाब ते हरियाणे दे अपने हक्कां लई लड़न वाले लोक आ उहनां नूं गुलामी दी जंजीरां पवाउणा चाहुंदी आ। मैं लगभग इस 13 तरीक तो 3 तरीक तो मैं अपने घर तो बाहर हाँ पंजाब के क्षेत्र में रहिंदा तो पुलिस रोज़ मेरे घर से छापा मारी 20-30-25 बंदे जाते हैं तो कल तीजा नोटिस मेरे घर से लाया है भी थोड़ी जे तुसी अंदोलन च गए थोड़ी जमीन कुर्क करांगे। ये हालात ने हिंदुस्तान के असी 15 अगस्त को आजादी का झंडा चढ़ा के बड़े मान नाल कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसता हमारा। आज हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को हिंदुस्तान पाकिस्तान में तब्दील कर रखा है जो आप और मीडिया सब देख रहे हैं। पिछले आंदोलन के अंदर किसानों के ऊपर ये आरोप लगा था किसानों ने सड़कें रोक दी ये हो गया वो हो गया लेकिन परमेश्वर ने हमारे को सद्बुद्धि दी और पढ़े लिखे मूर्ख लोगों को ये अकल दे दी कि 11 तारीख को यहाँ से अम्बाला शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक रोड हरियाणा सरकार और प्रशासन ने बंद किए हैं। मैं प्रशासन से ये भी पूछना चाहूँगा भी NSA हमारे किसानों पर लगाना चाहते हैं NSA प्रशासन पर और खट्टर सरकार पर लगता है हमारे द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा जिससे रोड जाम किए गए हैं पैसा खुर्द बुर्द किया गया है यह नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की पर्सनल पॉकेट के पैसे नहीं है जितना पैसा इन्वेस्ट करके खराब किया गया है यह इस सरकार के ऊपर पर्सनल पड़ना चाहिए और इन पर NSA भी लगना चाहिए। इन्होंने देश की संपत्ति को खुर्द बुर्द किया है और यातायात के नियमों के जो सिस्टम बिगाड़ दिया है लोगों का जो व्यापार बिजनेस चल रहा था जैसे आज हम पंजाब के अंदर बैठे हैं और 11 तारीख से ही यहाँ नेट बंद है नेट से सारा ही जो बिजनेस व्यापार नेट से चलता है सबका काम चौपट कर दिया ठप कर दिया। कहते थे सबका साथ सबका विकास मैं कहूँगा भी सबका विनाश कर दिया है नरेंद्र मोदी ने और विश्व गुरु कहलाता है। मैं विदेश में बैठे अपने युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ जब भी नरेंद्र मोदी किसी भी विदेश के अंदर कनाडा अमरीका जापान कहीं भी जाए जब पता लगे भी आज नरेंद्र मोदी आएगा वहीं जहां भी एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा वहीं इसका अपने काले झंडे लेकर विरोध करें। गुरमीत जी मैं थोड़े पॉलिटिकल सवाल करना चाहनी हां तुसी BJP नु लेके कहा कि सबका साथ सबका विकास BJP कहती है पर तुसी कहने हो कि सबका साथ सबका विनाश BJP बट जदों वोटिंग की जाती है तब मेजोरिटी जी हमेशा BJP मिलती है इदा क्यों होंगे वोटर्स हमेशा BJP तो ही क्यों लुभाए जाते हैं? देखो गल इस तरह भी पहला सानू बड़ा चाव से जब असी ना पढ़े से भी डिजिटल इंडिया बनावे सानू पता नहीं लगता भी डिजिटल की है लेकिन डिजिटल इंडिया के बीच EVM की गल करा मैं भी अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मनिया भी मोहाली के एक मेयर बनया से उन्होंने धक्का मारी हराया गया तो अच्छे उन्होंने दोबारा मेयर बनाया गया। ये डिजिटल वाला जो सिस्टम है ये इन्होंने हैंग कर लिया
सरकार ने ते सरकार दे खिलाफ वोटां पैंदियां ने पर हक च सरकार दे जांदियां ने ते मशीन दे विच हेरा फेरी है। असीं बैलट पेपर ते चुनाव करावांगे ते सरकार दा किते नाम निशान इस हिंदुस्तान च रहना नहीं। ठीक है, जिस तरह गुरमीत जी तुसीं कहा कि तुसीं 3 फरवरी तो अपने घर तो भजे हुए हो, पंजाब दे खेतर दे विच आके अंडरग्राउंड रह रहे हो, हरियाणा दे विच तुसीं तुहाडा घर है, हरियाणा तो बिलोंग करते हो, पर बाकी जिहड़े हरियाणा दे किसान ने कि उन्हां नूं डरा के धमका के अंदर वाड़िया गया, कि उह ज़्यादा सपोर्ट देन बाहर नहीं आ रहे। देखो हरियाणा दे विच जिस कोल JVC मशीन सी उहनूं हर एक मशीन वाले नूं नोटिस दित्ता गया है वी तुसीं मशीन नहीं लैके आना, थोड़ी जिहड़ी जमीन मशीन है उहनूं सरकार काबू करके नीलाम कर दूगी। डर है लोगों के बच्चे, हूँ मेरे घर से जाते हैं, कल उन्होंने कि पता लग्या होगा भी झूठे भी गुरमीत आया है, तो 25 पुलिस कर्मचारी तो कुछ महिलावान पुलिस कर्मचारी साढ़े घर गए, जो पिंड घूमते ने तो लोगों दबाव बनता है, ये दबाव बना के किसानों रोकया, तो अज असी संदेश किए ने अपने अपने पिंड भी तुम इकट्ठे होवो तो किसी भी शहर के रोड के उत्ते आओ, जेकर सरकार तुहानू गिरफ्तार करदा तुसीं गिरफ्तारी दे दो, किन्नियां जेलां इहनां दे कोल ने, तुसीं ये गुलामी दी जंजीरां तोड़ के किसानी धरने विच आओ, ये साने बेनती कीती है। ये जिहड़ा धरना है ये केवल किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दा नारा तां लगदा है, पर ये धरना सारे हिंदुस्तान की बस्ती दुनिया सब कैटागरियां वास्ते है, जिहड़ा भी रोटी खांदा है वह मट्टी चों किसान की धरती तो पैदा हुंदी है, तो गले तो जाके ढिड की भुख नूं एक किसान बुझांदा है, अजे लोगों की समझ नहीं आया, जदों समा कोई बनूगा तो लोग पछताणगे। बिल्कुल तुसी कह रहे हो कि रोटी किसान उगाउंदा है, अन्न उगाउंदा है, रोटी लोगों के पेट तक किसान दे राहीं पहुँचती है, बिल्कुल किसान नूं अन्नदाता भी कहा जाता है। पर सवेरे अंबाला पुलिस के वालों एक बयान जारी किया गया सी, जिस दे विच कहा गया सीगा कि जिहड़े भी किसान किसानी संघर्ष के शामिल होए ने उन्होंने उत्ते NSA लगाई जाएगी, यानी कि नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जिहड़ा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हालांकि वह बयान वापस ले लिया गया सी ते कहा गया सी कि इदां दा कुछ नहीं होएगा, पर पहली नज़र जिन्हों वेखिए किसानों नू राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि देश की सुरक्षा लिए खतरा मनिया जा रहा है। देखो गल ये भाई, पहला आप नारा लाते थे जय जवान जय किसान, हूँ साड़ी भी कितना कितने समझ आ गया भी जय किसान है जय जवान नहीं, जेड़ा भी सरकार दे नौकरी से भर्ती होंदा सरकार का गुलाम मेरे हिसाब नाल मनिया जाता है, ये साढ़े जवान साढ़े किसान निहत्थे किसान खाली हथ किसान आंसू गैस के गोले प्लास्टिक के गोले अनेक प्रकार के गोले दागे ने तो ये साढ़े नहीं रहे, जेड़ा मेरा मानना है भी जे साढ़े होंदे तो दया करते या हथियार छड़दे, जे इन की जमीर जूंदी होंगी जां इन्हां दे खून रगां दे विच खौलदा भी असी अपने निहत्थे माँ प्यो जिहड़े भी वीर किसान असी गोलियां नहीं चला सकते, लेकिन ये गुलामी की जंजीरां दे विच कैद हो चुके ने, यह जवान हुण साढ़े नहीं रहे, तो जिहड़ी ये भारत की सरकार है ये किसानां नूं उग्रवादी मायावादी की कहिंदी सी, ओह देश भगत लोग इत्थे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन्हां ने उग्रवादियों वाला ही साढ़े ते जिहड़ा गोलाबारी की है वह की है, ये सरकार की मैं बहुत कड़ी निंदा करदा, तो आने वाले समय से लोगों को कहना भी तुसी भाई वोटां BJP नूं पाओ JJP नूं पाओ, पर यह देख लो भी थोड़े नाल वर्तारा कहे जाए। ठीक है, ते गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे बहुत बहुत धन्यवाद जी, थोड़े चैनल का धन्यवाद, तुसी किसानों का जिहड़ा प्रदर्शन है देशों के विदेशों से दिखा रहे हो, क्योंकि इत्थे दी जिहड़ी सरकार ने उन्होंने नैट बंद करके साडे इत्थे प्रदर्शन नूं फॉलो करन तो रोकिया होया है, मैं थोड़ा एक बार फिर दिल दी गहराइयां तों धन्नवाद करदा हूँ, जय किसान। सो इसी साडे नाल गुरमीत सिंह माजरी भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह दे आगू ने, ते इन्हां तों पहलां असीं जय सिंह जलबेड़ा जी दे नाल गलबात कीती है जिहड़े कि नवदीप वाटर कैनन वाले दे फादर ने, इह किसान हरियाणा तों बिलोंग करदे ने, और सब तो वड्डी गल इह है कि अंदोलन शुरू होण तों पहलां इन्हां दे घरां दे उत्ते छापेमारियां कीतियां गईआं, डराया धमकाया गया, लुक छिप के ये लोग अंदोलन दे विच पहुंचे, पंजाब दी हद विच अज आके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूजे पासे हरियाणा दे जिहड़े किसान ने उहनां दे घरां दे आले दुआले जिवें बॉर्डरस ते इत्थे शंभू बॉर्डर ते पुलिस या फौज तैनात कीती गई है, उस तरह हरियाणा दे जिहड़े किसान अंदोलन दे विच शामिल होए लोग सी पहलां वाले उन्हां दे घरां दे उप्पर जिहड़ी फौज ते पुलिस जिहड़ी है वो तैनात कीती गई है, सो अज शरधांजलि भी दित्ती गई है शुभकरण नूं किसानी अंदोलन दे विच, हालांकि बहुत सारिया रुकावटा इस अंदोलन के आईया ने, पर जोड़े हौसले ने हाले भी बुलंद ने। कैमरामैन सिमरजीत सिंह कमलजीत कौर, सतलुज TV, शंभू बॉर्डर।